नमस्कार, बिहारी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ नेहा, और इसी के साथ करते हैं बुलेटिन का आगाज। और सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। वाहन मालिक अपना मोबाइल नंबर करें अपडेट, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में मोबाइल नंबर अपडेट करना बेहद जरूरी, नहीं कि अपडेट तो नहीं बनेगा पॉल्यूशन सर्टिफिकेट। भूमि सर्वे में आ रही समस्या का होगा निदान, विभाग ने जारी किया टोल फ्री नंबर, रैयत अपनी शिकायतें और सुझाव कर सकते हैं दर्ज। 26 सितंबर को बिहार के शिवहर में लग रहा है जॉब मेला, सुबह 10 बजे से शाम तक चलेगा कैंप। जॉब कैंप में भाग लेने के लिए ncs.gov.in पर कर ले रजिस्ट्रेशन। शिवदेव लांडे के इस्तीफे से परेशान बुजुर्ग मिलकर रोने लगा, शिवदेव लांडे ने दी भरोसा, कहा इन आंसू को जया नहीं जाने दूंगा। और आवास योजना के लिए चयन प्रक्रिया में बदलाव, पीएम आवास योजना में नई पात्रता शर्तें लागू, मोटरसाइकिल और फ्रिज वाले को भी अब मिलेगा पीएम आवास योजना का लाभ। अब खबरें विस्तार से। बिहार के परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने निर्देश दिया है कि सभी वाहन मालिक जल्द से जल्द अपने रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में मोबाइल नंबर अपडेट करा लें। यदि मोबाइल नंबर अपडेट आप नहीं कराएंगे तो वाहन का पॉल्यूशन सर्टिफिकेट आपका नहीं बन पाएगा। इस संबंध में जिला परिवहन पदाधिकारी कुमार सत्येंद्र यादव ने बताया कि इसके लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। जिले के परिवहन कार्यालय में भी मोबाइल नंबर अपडेट करने की व्यवस्था की गई है। यदि किसी को कोई जानकारी की आवश्यकता है तो वे परिवहन विभाग के टोल फ्री नंबर, हमारे स्क्रीन पर दिखाए गए टोल फ्री नंबर पर कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा आप घर बैठे वाहन रजिस्ट्रेशन में मोबाइल नंबर www.parivahan.gov.in पर और ड्राइविंग लाइसेंस में मोबाइल नंबर अपडेट करवाने के लिए www.sarthiparivahan.gov.in पर जाकर ऑनलाइन अपडेट कर सकते हैं। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने बिहार भूमि सर्वेक्षण 2024 के संदर्भ में रैयतों की समस्याओं पर बातचीत की। उन्होंने कहा कि सरकार इन समस्याओं के निदान के लिए प्रतिबद्ध है और इसके लिए एक टोल फ्री नंबर, हमारे स्क्रीन पर दिखाए गए आप टोल फ्री नंबर को देख सकते हैं, इसे जारी किया गया है जिस पर रैयत अपनी शिकायतें और सुझाव दर्ज करवा सकते हैं। मंत्री ने स्पष्ट किया कि भूमि सर्वेक्षण बंद नहीं होगा और ये प्रक्रिया जारी रहेगी। सर्वे के बाद भूमि से जुड़ी सभी समस्याएं प्राप्त हो जाएंगी। अगर विभाग के कर्मचारियों के खिलाफ भी कोई शिकायत मिली तो कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही कागजात जमा करने के लिए 3 महीने का अतिरिक्त समय भी दिया गया है। मोटरसाइकिल और फ्रिज रखने वाले को भी अब प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का लाभ मिलेगा। जी हाँ, खुशखबरी है, बिहार में ग्रामीण विकास विभाग ने जिलों को नए दिशा निर्देश जारी किए हैं जिसमें नए मानकों के तहत लाभुकों का चयन किया जाएगा। अगले महीने से लाभुकों के चयन के लिए नया सर्वे शुरू होने की संभावना है। पहले किए गए सर्वे में मोटरसाइकिल और फ्रिज रखने वाले लाभार्थियों को आवास योजना से वंचित रखा जाता था, लेकिन नए नियमों के अनुसार अब उन्हें भी आवास की स्वीकृति मिलेगी। इसके अलावा यदि परिवार के किसी सदस्य की मासिक आय 15,000 रुपये से अधिक है तो उन्हें पीएम आवास योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। ये सीमा पहले 10,000 रुपये थी जिसे बढ़ाकर 15,000 रुपये किया गया है। जिलों को ये भी निर्देशित किया गया है कि किन किन लाभार्थियों को आवास की स्वीकृति नहीं दी जा सकती है, इसका पूरा ब्यौरा उन्हें भेजा गया है। अगर आप बिहार के शिवहर जिले के हैं तो आपके लिए खुशखबरी है, ध्यान जरूर दीजिएगा। बिहार के शिवहर जिला नियोजालय में 26 सितंबर को जॉब कैंप का आयोजन किया जा रहा है जिसमें SFO RO कलेक्शन फील्ड वर्क के कुल 120 पदों पर भर्ती की जाएगी। ये कैंप सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगा जिसमें 10वीं पास अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं। आपकी आयु सीमा 18 से 30 वर्ष के बीच होनी चाहिए। ध्यान दें, इसमें केवल पुरुष अभ्यर्थी ही भाग ले सकते हैं, महिलाओं के लिए ये कैंप नहीं है। जॉब कैंप में भाग लेने के लिए रजिस्ट्रेशन कराना बेहद जरूरी है। अभ्यर्थी ncs.gov.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। शिवदेव लांडे ने IPS की नौकरी से इस्तीफा देकर सबको हैरान कर दिया था। बिहार कैडर के तेज तर्रार IPS अधिकारी और सिंघम कहे जाने वाले पूर्णिया के IG शिवदेव लांडे के अचानक इस्तीफा से उनके चाहने वालों को भी दुख पहुंचा है। ऐसे में एक बुजुर्ग उनके घर पहुंचता है और उनका हाथ थाम कर रोने लगता है। बुजुर्ग कहता है कि आपके आने से उम्मीद दिखी थी कि काम पूरा हो जाएगा। शिवदीप लांडे ने खुद अपने सोशल मीडिया पर शेयर किया
और अपने पोस्ट में उन्होंने लिखा कि नासू को यूं ही जया नहीं जाने दूंगा, ये मेरे लिए भावुक पल है, मेरी जिम्मेदारी और ज़्यादा बढ़ गई है। उन्होंने स्पष्ट किया कि वे राजनीति में नहीं जाएंगे बल्कि अपने प्रदेश की सेवा जारी रखेंगे। बिहार के मढ़ौरा में बनने वाले रेल इंजन से अब अफ्रीका के विभिन्न देशों की ट्रेनें दौड़ेंगी। जी हां, आत्मनिर्भर भारत के तहत भारतीय रेलवे और वेबटेक के संयुक्त उद्यम द्वारा मढ़ौरा रेल इंजन कारखाने से इवोल्यूशन सीरीज लोकोमोटिव का निर्यात 2025 से शुरू किया जाएगा। मढ़ौरा संयंत्र अब पहली बार वैश्विक ग्राहकों के लिए लोकोमोटिव का निर्माण करेगा जो 4500 HP की ताकत से लैस है। रेलवे के मुताबिक ये परियोजना रणनीतिक महत्व की है क्योंकि ये भारत को एक वैश्विक इंजन निर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करेगा। बिहार में उमस भरी गर्मी के बीच बिजली की मांग ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है। 23 सितंबर को रात 9:53 पर राज्य में बिजली की अधिकतम खपत 805 मेगावाट पहुंच गई, जो अब तक की सबसे अधिक डिमांड है। ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने बताया कि 2005 में सत्ता में आने के समय बिहार में सिर्फ 700 मेगावाट बिजली की खपत होती थी, लेकिन अब ये आंकड़ा लगभग 12 गुना बढ़कर 8000 मेगावाट के पार चला गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मार्गदर्शन में बिहार की ऊर्जा विभाग ने उपभोक्ताओं की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए निरंतर प्रयास किए हैं। मंत्री ने यह भी कहा कि चालू वित्तीय वर्ष में राज्य सरकार ने 15,343 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी है, जिससे बिहार के लोगों को सस्ती बिजली मिल रही है। बिहार सरकार ने भूमि रिकॉर्ड को डिजिटल रूप से अपडेट करने और भूमि विवादों को कम करने के लिए भूमि सर्वेक्षण अभियान की शुरुआत की है, जो चल रहा है। इस पहल के तहत सभी भूस्वामियों से उनके जमीन का विस्तृत विवरण मांगा जा रहा है। पटना जिले में अब तक 70,000 से अधिक आवेदन प्राप्त हो चुके हैं, जिनमें 40,000 ऑनलाइन और 30,000 ऑफलाइन शिविरों के माध्यम से आए हैं। खासकर ग्रामीण इलाकों में इस सर्वेक्षण को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह है। जैसे फुलवारी शरीफ में 6,200 ऑनलाइन और 1,258 ऑफलाइन आवेदन जमा हुए हैं, जबकि फतुहा में 4,342 ऑनलाइन और 913 ऑफलाइन आवेदन आए हैं। मोकामा में भी ऑफलाइन माध्यम से 972 आवेदन जमा हुए, जबकि ऑनलाइन से 198 आवेदन प्राप्त हुए हैं। बीते दिन जयनगर से लोकमान्य तिलक टर्मिनल जा रही पवन एक्सप्रेस ट्रेन में सफर कर रहे बुजुर्ग बीपी कड़ को अचानक सीने में दर्द हो जाता है और वे बेहोश हो जाते हैं, लेकिन उनकी जान बचाने के लिए आगे आते हैं टीटी सर्विंदर कुमार, जिन्होंने सही समय पर CPR देकर उन्हें नई जिंदगी दी। इस जज्बे के लिए सोनपुर मंडल टीटी सविंद्र कुमार को सम्मानित करने की घोषणा की है। DRM और सीनियर डीसीएम अलग अलग उन्हें सम्मानित करेंगे। बता दें, अगर कोई व्यक्ति बेहोश हो जाता है, दिल की धड़कन बंद हो जाती है या पल्स नहीं चलता है, तो ऐसी स्थिति में CPR दी जाती है। इससे हृदय और मस्तिष्क में रक्त संचार में मदद मिलती है, जिससे व्यक्ति को नया जीवन मिल जाता है। बिहार पुलिस के डॉग स्क्वाड को और भी सशक्त बनाने के लिए जनवरी में 15 नए डॉग शामिल होंगे, जो वर्तमान में हैदराबाद में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। इनमें लेबराडोर, गोल्डन रिट्रीवर और बेल्जियम शेफर्ड जैसे नस्लें शामिल हैं। इसमें पुलिस को बड़ी घटनाओं की जांच में महत्वपूर्ण सहायता मिलेगी। बता दें कि पुलिस के पास पहले से ही 57 डॉग मौजूद हैं, जिनमें पबजी, सिम्बा, शेरू, दामिनी और हंटर जैसे डॉग हैं। इन डॉग को कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल के रैंक भी प्रदान किए जाएंगे। पटना में कुल 17 डॉग मौजूद हैं, जिनमें से 14 गांधी मैदान स्थित पुलिस लाइन में और 3 शास्त्री नगर में तैनात हैं। शास्त्री नगर के डॉग शराब पकड़ने में माहिर हैं, जबकि पटना पुलिस लाइन में डॉग बम और अन्य अवैध सामानों को भी पकड़ने की क्षमता रखते हैं। स्मार्ट प्रीपेड मीटर इंस्टॉलेशन को लेकर उपभोक्ताओं में जो भ्रांतियां फैली हुई थी, उन्हें दूर करने के लिए एक विशेष अभियान की शुरुआत की गई है। साउथ बिहार के 13 जिलों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने वाली कंपनी इंटेली स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड ने स्मार्ट मीटर सहायक नाम से एक नई मुहिम की शुरुआत की है। इस अभियान के तहत 70 प्रशिक्षित स्मार्ट मीटर सहायक उपभोक्ताओं के घर घर जाकर उन्हें स्मार्ट मीटर से संबंधित जानकारियां देंगे। इसका मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं को ये बताना है कि कैसे स्मार्ट मीटर उनके बिजली के उपयोग को ट्रैक करने में मदद कर सकते हैं और कैसे ये उनके बिलों को प्रबंधित करने में सहायक साबित होंगे।
बीते दिन राज्य में 51 नए डेंगू मरीजों की पहचान हुई, जिनमें से 49 मरीज पटना के हैं। इसी तरह पटना में डेंगू पीड़ितों की कुल संख्या 1229 हो गई है। विशेष रूप से कंकड़बाग क्षेत्र में 20 मरीज मिले हैं। इसके अलावा पटना में चिकनगुनिया के 3 नए मामले भी सामने आए हैं। एस्टेट प्रोग्राम ऑफिसर ने बताया कि पिछले 2 दिनों से डेंगू के मामलों में कमी आई है। कम बारिश और तेज धूप के कारण इस साल प्रकोप पिछले साल की तुलना में कुछ कम है। हालांकि ग्रामीण इलाकों में भी मरीज मिलने से स्वास्थ्य विभाग सतर्क है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा 28 सितंबर को बिहार के दौरे पर आ रहे हैं। इस संक्षिप्त प्रवास के दौरान वे सांसदों, विधायकों और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ सदस्यता अभियान की समीक्षा करेंगे। बीजेपी प्रदेश मीडिया विभाग के संयोजक दानिश इकबाल ने जानकारी दी कि जेपी नड्डा पटना में लगभग 3 से 4 घंटे बिताएंगे। पटना पहुंचने के बाद वे सीधे बीजेपी प्रदेश कार्यालय जाएंगे, जहाँ वे समीक्षा बैठक आयोजित करेंगे। इस बैठक में सदस्यता अभियान की प्रगति का आकलन किया जाएगा और सदस्यों की संख्या को बढ़ाने के लिए भी रणनीति पर चर्चा की जाएगी। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने आज से बिहार चुनाव की तैयारियों की अनौपचारिक शुरुआत कर दी है। वे अपनी यात्रा के माध्यम से आम लोगों की समस्याओं को समझने और जनता की नब्ज टटोलने का प्रयास कर रहे हैं। कुशवाहा की यात्रा की शुरुआत जगदेव बाबू की धरती कुर्था अरवल से हुई है। इसके साथ ही औरंगाबाद में भी उनकी यात्रा हुई। इसके बाद वे 26 सितंबर को औरंगाबाद और रोहतास में रहेंगे। 27 सितंबर को वे रोहतास में यात्रा के बाद भोजपुर जाएंगे। वहीं 29 सितंबर को RLM चीफ का कारवा सारण पहुंचेगा। उन्होंने बताया कि जल्द ही दूसरे चरण के कार्यक्रम की जानकारी साझा कर दी जाएगी। अब बात कर लेते हैं भारत और बांग्लादेश के बीच होने वाले टेस्ट मैच की, जो 27 सितंबर से ग्रीन पार्क स्टेडियम में खेला जाएगा। आज मेजबान भारतीय टीम और मेहमान बांग्लादेशी खिलाड़ी शहर पहुंचे। एयरपोर्ट पर 3 स्तरीय सुरक्षा घेरे के बीच खिलाड़ियों को उनके होटल तक पहुंचाया गया। होटल में भारतीय खिलाड़ियों का स्वागत रामधुन और रुद्राक्ष की माला पहना कर किया गया। वहीं बांग्लादेशी खिलाड़ियों का बुके देकर अभिनंदन किया गया। भारतीय टीम की कोच गौतम गंभीर और स्टार बल्लेबाज विराट कोहली भी इस स्वागत समारोह का हिस्सा बने। जैसे ही खिलाड़ियों ने होटल में कदम रखा, उन्हें वेलकम केक से सम्मानित किया गया। भारतीय टीम के लिए खास तौर पर विश्व कप ट्रॉफी के आकार का केक बनाया गया था, जबकि बांग्लादेश के लिए ग्रीन पार्क थीम पर केक तैयार किया गया। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिखकर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है, उनके नाम है मुन्ना प्रसाद, बाबूलाल मरांडी, रवि कुमार राम, मोहम्मद अरमान, जितेंद्र ठाकुर, दिनेश कुमार, संघर्ष कुमार, छोटू रजा, मोहम्मद अजमेर, राकेश मिश्रा, रंजीत मिश्रा, सादुल्ला पलवी, रवि मोहन वर्मा, संजीव कुमार, अनवर करीम खान, नौसाद रजा, राम बाबू दास, निर्मा कुमार, मोहम्मद साकिर हुसैन, संजय कुमार वर्मा, सुमित साहू, अमरजीत यादव। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल, और आज का सवाल है, क्या आपको अपने क्षेत्र में नौकरी के अवसर मिल रहे हैं? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए बिहारी न्यूज़। और साथ ही अगर आप YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप Facebook पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।